बहुत ऊपर जा चुकी है पतंग यहाँ पे। यहाँ पे कृष्णा सूरी पतंग उड़ा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा या किशु? किशु नाम कृष्णा। किशु, और देखो पतंग उड़ाने के लिए एक बंदा चाहिए होता साथ में जो चरखी पकड़ेगा और ये पतंग उड़ाएगा। और पतंग दिख भी नहीं रही है, गई कहाँ है? ये देखो दिख रही है। ऐसे क्या फायदा उड़ाने का? किसी से पेच वेच लड़ा, खुद ही उड़ा दूसरे हाथ से। एक हाथ से वो पतंग उड़ा, एक हाथ से पेच लड़ा। वो देख एक है तो एक ये दूसरी वाली पतंग है, इससे लड़ाओ। यहाँ पे रील बनाई जा रही है, बैक कैमरे से रील बनाई जा रही है। किससे लड़ा रहा है? और यहाँ पर शानदार मौसम। और टूट गई पकड़। अरे गई टूट गई पतंग, टूट गई। कहाँ से गिरी है? टूट गई यार। अरे यार हद है यार, किशु यार रहन दो यार, तुम यार तुड़वा दी यार तुमने, यार बेइज्जती करा ली तुमने, तुमने बेइज्जती करा ली भाई, बेइज्जती करा ली तुमने यार, हद है यार, बेइज्जती करा ली। अच्छा बेटे तुम्हें जब पतंग उड़ानी नहीं आती क्यों उड़ाते हो? बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती करा ली तुमने। और ये देखिए बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, मतलब इतना शानदार वेदर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम पता नहीं कहाँ गए हो। अच्छा बेटे एक बात बताओ, जब पतंग उड़ानी नहीं आती क्यों उड़ाते हो तुम्हें? बेटे बताओ, बेटे बताओ बताओ, बेइज्जती कराओ, इधर देखो बेइज्जती कराओ, बेइज्जती करा ली बेटे। मैं काटी नहीं है किसी ने, मैं इसी के चक्कर में उड़ी है। और यहाँ पे किशु ने पतंग उड़ाते उड़ाते कटवा ली अपनी, कृष्णा सूरी ने अपनी पतंग कटवा ली। ये देखिए गौर से देखिए इस आदमी को, कृष्णा सूरी ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी पतंग ही कटवा ली। बहुत टूटी है, अब बेइज्जती हो गई, अब क्या फायदा? अब तो बेइज्जती हो गई, अब क्या फायदा? बहुत ही गंदी बेइज्जती कराई है कृष्णा सूरी ने। कुछ नहीं टूटी है, नहीं टूटी है, कटवाली। अब तो बेइज्जती हो गई, जस्ती क्या होता है? जस्ती होता है, बेइज्जती होता है? जस्ती बोला तू, जस्ती करा ली, जस्ती की होता है। और यहाँ पे कृष्णा सूरी दूसरी पतंग की ओर, दूसरी पतंग लेने जा रहे हैं। दूसरी पतंग लेके आ रहे हो? तो आप कहाँ जा रहे हो? रीला बनाने, रीला। सो गाइस यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, हम बारिश में फंसे हुए हैं, मैं और नानी। नानी हाय करो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों बहुत कमाल की बारिश हो रही है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी भरना शुरू हो गया है, मतलब बहुत ही तेज हो रही है। इसमें शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी। क्या कह रही हो? भीगते हुए चलते हैं नानी, बहुत पानी भरा हुआ है, नहीं चल पाएंगे। पानी तो भर गया, भीगते हुए चलते हैं नानी। नाव ले ले, नाव ले लेंगे नाव। अब यहाँ पे नाव चल सकती है, इतना पानी भर गया है। कैसे पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है, कब तक रुकेगी ये भी नहीं पता। थोड़ी सी हल्की हो तो हम आगे बढ़े। चले नानी, अब थोड़ी हल्की हो गई है, चले। सो गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं, मतलब बहुत भीग भाग के नानी के साथ में घर तक आ ही गया, मामा के घर तक। तो यहाँ काफी अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ बहुत सही मौसम हो रहा है, मतलब 2-3 दिन से कमाल का वेदर हो रहा है। मतलब ऐसा मन कर रहा है नीचे ही मत जाओ, घर में ही मत बैठो, घूमते रहो इधर से उधर। मैं आपको एक नए दोस्त से मिलाता हूँ जिससे मैं भी डरता हूँ, वो भी मुझसे डरता है। मतलब दोनों को एक दूसरे को पता है कि दोनों एक दूसरे से डरते हैं, लेकिन फिर भी आमने सामने नहीं जाएंगे। ये देखो बैठा हुआ है नोना, आओ। ये यहाँ बैठ के किसको देखना चाह रहा है? ओए अक्षु, ये यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं आपको कैसा महसूस होता है? ज्यादा नए तो नहीं होते, वही रोज वाले होते हैं, ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो तभी ये मैं काट दूंगा सारा। कुछ अच्छा बोल। क्या बोलूं? कुछ अच्छा बोल यार। तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया होता है, डेली बस यही चाहिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा और फेक। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे जो बड़े भैया हैं सुनील साहब, बहुत ही बढ़िया वीडियोस और ब्लॉग बनाते हैं। सो गाइस मैं आपको मिलवा देता हूँ, ये मेरा कजन है, मैं मामा जी का लड़का, खुद ही मामा जी लगते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम सुन रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम बताओ। ये बच्चे एक तो शर्माते बहुत हैं यार। बच्चे नाम बताओ। बेटे बेटे बेटे, अब ये सीधे घर में जाके रुकेगा। देख देख वीडियो, ये क्या सोच रहा है बैठ के? पता नहीं, छोटी छोटी कमाई। क्या ये सोच रहा है वो क्यों चली गई? क्या ये सोच रहा है वो क्यों चली गई? तुम वापस आ गए? नाम तो बताओ अपना। अरे नाम बताओ। अच्छा टेबल आते हैं, टेबल छोटा बड़ा आता है? क्या आता है? अरे बात तो सुनो। अरे भाई बात सुन, किसका? सो गाइस अब यहाँ फोटो शूट होने जा रहा है, इसकी जितनी भी क्लास की लड़कियाँ हैं वो इंतजार कर रही हैं कि भाई का नया फोटो कब आएगा। तो अब ये मैं इसकी फोटो क्लिक करूँगा, फिर ये पोस्ट करेगा। कहाँ पोस्ट करेगा?
इंस्टाग्राम पोस्ट करेगा। कितनी लड़कियां हैं उस पे? बहुत फैंस, बहुत बहुत लाइन लगी पड़ी, मतलब आग लगा देंगे, आग लगा देंगे।